Hello everyone, this is your honey ma'am. Welcome back to my channel, and today again I am going to explain the topic gravitation of class 9, and the subject is science, of course the physics stream. So without wasting a time, in my first session we have done that कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसे किसने पहले डिस्कवर किया था और बहुत कुछ. ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अभी करेंगे कौन सा टॉपिक, ग्रेविटेशनल के ही बारे में हम बात कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में ही बात करेंगे. देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने स्टार्ट किया था कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, द टू ऑब्जेक्ट्स मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक, एंड व्हेन वी आर कंबाइनिंग दिस वी आर गेटिंग दिस एज दिस, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी आर गेटिंग द जी एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज लाइक दिस. ठीक, ये हुआ आपका क्या ग्रेविटेशन के बारे में. एम वन जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वन है, एम टू है मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू, डिस्टेंस है बिटवीन, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एंड द जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू थी 6.67 माइनस इलेवन, एंड देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. ये था इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू, किसकी, जी की. तो यहाँ तक हमने कर लिया था. फिर यहाँ पे मैंने आपको एक उसमें भी दिखाया था, मतलब इमेज दिखाई थी जिसमें जो अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज़ ड्यू टू द मास, कैपिटल एम इज़ ड्यू टू द मास एम. ये है आपका कैपिटल एम, और एम वन आपका अंदर है, एम टू आपका अंदर है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम अगेन ड्यू टू द मास एम टू. यहाँ से लेकर ये जो लाइन रेज आ रही हैं आपको दिखा रही है कि किस तरह से इस कैपिटल एम पे ये दोनों मासेस क्या कर रहे हैं, अपना फोर्स दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है इन पे. ठीक है, एंड देन अगेन गोइंग बैक, कमिंग एंड गोइंग बैक, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. And then the resultant gravitational force on this M due to the M1 and M2 points towards the center of the earth is because of the symmetry. This is the symmetry, because of symmetry. ठीक है, तो assuming that earth is a spherical symmetrical, ठीक है, and the vector sum of all the individual masses, mass elements will also point towards the earth center. मतलब कि सबका जो मास पॉइंट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इंडिविजुअल मास एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिसके भी हैं, उनका जो वेक्टर सम निकाल रहे हैं दैट इज़ टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. ठीक, ये हमने क्या किया इसका, जस्ट वी आर जस्ट अज्यूमिंग ऑल दिस थिंग्स. ठीक, तो वी नो दैट कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है. ठीक, अब आते हैं इस पॉइंट पे, व्हाट इज दिस, ये भी वही है जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे प्लैनेट्स हैं, ये सब प्लैनेट्स हैं, और ये कैसे इलिप्टिकल है, अपने ही इलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं. ये सन है और इसके ही अराउंड ये मूवमेंट होता रहता है. ठीक है, ये फोकस है आपका, जिस तरफ से भी प्लैनेट मूव करेगा उसका फोकस पॉइंट, जो उसका फोकाई होगा, दैट इज़ ऑन द व्हाट, सन. ठीक, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट भी यहाँ पे शो हुई है कि कैसे मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, या फिर अर्थ मून का अराउंड द अर्थ. ठीक, अब ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है, सबके बारे में देखा हमने, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, मास, डिस्टेंस सबके बारे में पढ़ा, डब्ल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट है, तो डब्ल्यू क्या होता है, एम इंटू जी होता है, मतलब वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी. ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी, जिसमें मैंने वेट की डेफिनेशन भी बताई थी और मास की डेफिनेशन भी बताई थी इससे पहले वाले सेशन में. इसमें हम पढ़ेंगे और बोयांट फोर्स के बारे में, जो कि थ्रस्ट और प्रेशर दोनों बोल सकते हैं. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू, पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है, पी इज अ प्रेशर, एफ इज अ फोर्स एंड ए इज एन एरिया. ठीक, देन इसके बाद हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, जो कि है स्मॉल जी, जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो जी क्या है, जी इज इक्वल्स टू, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू एक्चुअली कैपिटल जी एम और अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है स्मॉल जी. तो कैपिटल जी, जैसा कि हमने बताया था, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ये था आपका कैपिटल जी. ठीक है, तो यही बस दिखाना चाह रहे थे हम कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है.
उसमें स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आर है वो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बार 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 बता रही हूँ कि कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स में ये बेहतरीन काम आने वाला है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट स्लाइड में ये देख लीजिए हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर दीज दैट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर इज फोर्स। ये सब वैल्यूज़ हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, स्मॉल जी की वैल्यू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, न्यूटन का आपने लॉस पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं। यहाँ पे आप यही इक्वेशन जहाँ पे ए है वहाँ पे आ गया है जी, इसने जी ने ए को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये एंड देन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एच होता है, टू ए एस होता है। यहाँ पे ए को रिप्लेस किया है जी ने और एस को रिप्लेस किया है एच ने, तो आप ये भी पढ़ेंगे। फिर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था वहाँ पे, यहाँ पे हो गया जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे, ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी मास इंटू ग्रेविटी, अभी अभी हमने बताया। वेट इज इक्वल्स टू, देन प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया था ना आपका, बस वैसा ही कुछ है। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक, ये दोनों ही आप पढ़ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स में दोनों ही काम आएंगे, तो दोनों को ही याद रखिए आप। ठीक, देन रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने भी मिलेंगे, पढ़ तो चुके ही हैं आपकी, आपने काफ़ी कुछ इसमें से, बस ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक पे। व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। होता क्या है, जब टॉप पे कोई बंदा खड़ा है और वो जब नीचे आपका स्टोन या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, फेंकता है या फॉल करवाता है, तो वो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड होती है। नीचे आते 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 मान लो ये टाइम इसका इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी देखिए इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है जब फ्री फॉलिंग हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है जिसकी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी उसकी यहाँ से डिक्रीज होते जाती है और ऊपर जाके कहीं वो ज़ीरो हो जाती है। तो क्या होता है, इसमें आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उसको क्या कर रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो ऑफकोर्स होगी, इंक्रीज टू डिक्रीज, तो जैसे ही इसमें चेंज होता है वेलोसिटी में तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, माइनस, और सब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम, तो जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, और ये पढ़ते हुए तो आपको ऑफकोर्स मज़ा आएगा। तो इसका एक एग्जांपल बहुत सारा है कि हर चीज़ ऊपर से जब नीचे आती है तो वो क्या होती है, वो एक्चुअली नीचे ही आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, हर चीज़ नीचे आती है अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ चीज़ें आप जैसे ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं और फैदर फेंक रहे हैं, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वो एक फैदर धीरे धीरे आएगा और बॉल फटाक से आ जाएगा, लेकिन जब वैक्यूम होता है तो वहाँ दोनों एक ही साथ फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है कि वैक्यूम में और एयर में ऑब्जेक्ट फॉल तो होता है लेकिन कितनी देरी पर होता है, क्या उनके टाइम में चेंज होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ जाइए इस टॉपिक से कि यस, एयर में जो फॉलिंग होती है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्या फॉलिंग होती है, और जब वैक्यूम होता है उसमें तो क्या उसमें होता है चेंजेस, ये आप देखने को बहुत आराम से मिलेगा और यू विल बी लाइक, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। साइड व्यू, एक ऊपर एक आपको दिख रही होगी इमेज, इसमें जो साइड व्यू है कुछ इस तरह से दिखता है कि कैसे एक बंदा अपने स्टोन को स्ट्रिंग में ऐसे मूव करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यही मूवमेंट क्या, ये स्ट्रिंग जो है वो रिलीज़ होती है, जब बॉल रिलीज़ होता है उसके हैंड से तो ये बॉल जो होता है वो सीधा स्ट्रेट जाता है टुवर्ड्स द ए नॉट टू बी, मतलब ए की तरफ जाता है स्ट्रेट। आप ऐसे घुमा रहे हैं लेकिन जब आप छोड़ेंगे ना उसको स्टोन को, तो वो स्ट्रेट जाता है, वो एलिप्टिकल उसमें नहीं जाता या राउंड सर्कुलर पाथ में नहीं आएगा। तो जब वो स्टोन यहाँ से जैसे ही रिलीज़ हुआ वो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो इस तरफ मूव नहीं होगा।
ठीक है, तो ये भी क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ द उसका था स्टोन का जो पोजीशन सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन था या फिर फोर्स जो ज़्यादा सेंटर पॉइंट पे ज़्यादा था, ठीक है। तो ये है इसका एक और एग्जांपल। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज़ दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगेन ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि F1 हो या F2 हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है दे आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अब इफेक्ट्स ऑफ मास एंड डिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मास और डिस्टेंस का इफेक्ट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या द मोर मासिव एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है। जितने वैसे जैसे मैंने बोला एक भारी चीज़ को फेंकिए और एक फैदर को फेंकिए तो क्या होगा, भारी चीज़ जल्दी ड्रॉप होगी, फैदर आराम से हिलते डुलते नीचे आएगा, अपना आएगा जरूर वो नीचे ही कहीं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होगा जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा। देन द क्लोजर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द ग्रेविटेशनल, जितनी पास होंगे उतनी फटाक से एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही पास होगा। ये ऑब्जेक्ट है दोनों पास हैं तो जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है, और अगर थोड़ी दूर पे हैं तो थोड़ी दूर से आएंगे तो ज़रूर, ठीक है। तो जितना क्लोजर डिस्टेंस होगा उतना ही ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक। एक ये पॉइंट था। दूसरा, ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स एंड बिटवीन अर्थ एंड इट्स मून, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए ग्रेविटेशनल पुल किसके किसके बीच में, सन के, प्लैनेट के और अर्थ और किसके, मून के, ठीक है। दिस कॉज डिस्टिंक्ट मोशन, इनके मोशन डिफरेंट होते हैं, सन और प्लैनेट के मोशन डिफरेंट होंगे, अर्थ और मून के वो जो मोशन होंगे वो डिफरेंट होंगे, एंड बिटवीन अमंग द अदर बॉडीज इनके भी अलग अलग मोशन होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो ये है क्या, इफेक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी है मैटर पे, क्या होता है मैटर पे ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक। तो ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो किसकी वजह से होती है, मासेस की वजह से होती है। दूसरा, ऑल मैटर हैज मास, यस वी नो दैट। ग्रेविटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ मास, यस ऑफ कोर्स ग्रेविटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ मास, क्योंकि बोला है ड्यू टू देयर मासेस ही ग्रेविटी इज़ अ फोर्स बिटवीन द टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देयरफॉर ऑल मैटर इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, सारे ही मैटर ग्रेविटी से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बट द फोर्स इज ऑफन टू स्मॉल टू फील, लेकिन जो उनके बीच का फोर्स है वो बहुत ही कम फील होता है हमको, उनके बीच में ग्रेविटी होती है इसलिए, ठीक है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करता है सारी चीज़ों को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, जैसे कि मैंने बताया स्टोन का एग्जांपल, ठीक है। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करता है अपनी सारी चीज़ों को अपने सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। दिस कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू फॉल ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, अब वो फोर्स ज़्यादा हो जाता है और इसका मास कम हो जाता है। जो मतलब याद है आपको टग ऑफ द वॉर एक गेम होता है, उसमें जब हम लोग दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर ऑफ पीपल होते हैं या इक्वल स्ट्रेंथ वाले पीपल होते हैं तो आपका बैलेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो अनइक्वल हो जाता है एक ना एक जन वहाँ पे किसी ना किसी और वो पूरी की पूरी टीम गिर जाती है। तो क्या हुआ, ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से, क्योंकि एक का वेट, एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था दूसरे से, तो वो क्या किया अपनी तरफ उसको खींच लिया। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स इट कॉजेज द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका, एक्चुअली द इफेक्ट है ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है व्हाट डज ग्रेविटी डिपेंड अपॉन। अभी बताया ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास और डिस्टेंस पे, ठीक है। किस पे ग्रेविटी डिपेंड करती है, मास और डिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल, जितनी कम डिस्टेंस होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उतनी ज़्यादा ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो मास एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है, ये भी आप देख सकते हो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो दोनों एक पॉइंट पे आकर के कुछ इस तरह से मीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर इस इफ़ द मास इंक्रीज, अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। छोटा बड़ा होगा, छोटा छोटा है तो दूर है, एक छोटा एक बड़ा,
ये देखिए, एक को हमने छोटा रखा, एक को हमने बड़ा रखा, ठीक। अब इनके बीच में क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना मास इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। जितने मास क्या हो जाएंगे, अब इफ़ द डिस्टेंस इंक्रीजेस, अब ये इनका डिस्टेंस बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या होगा, द ग्रेविटी ऑल्सो, इफ़ द डिस्टेंस इंक्रीज द ग्रेविटी विल डिक्रीज, इफ़ द डिस्टेंस डिक्रीज द ग्रेविटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो क्या किया, पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एक्ट कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट पे, या ऑल ऑब्जेक्ट पे बोल सकते हो, ठीक है। फिर हमने इसका मास बढ़ाया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हुई, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो ये है आपका, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम1 एंड m2, एंड एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे वो इन्वर्सली, ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है आपका जो बार बार रिपीटेडली मैं आपको इस सेशन में समझा रही हूँ। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी स्लाइड है ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। द साइंटिफिक लॉ दैट स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी स्टेइंग एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन विद द कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। यही था फर्स्ट लॉ, इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हिला ना दे, एक ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोक ना दे। तो ये क्या है, ये इनर्शिया है, इसको लेजीनेस बोलते हैं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रह रहा हूँ, मेरे को जब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं मैं हिलूँगा भी नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, और जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं मैं रुकूंगा ही नहीं, तो मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये तो हुआ इनर्शिया के बारे में, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसको लॉ ऑफ लेजीनेस बोलते हैं, मैंने ये भी बता दिया। विथ नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव। जब तक किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और ये जब तक ये स्टॉप नहीं होगा जब तक इसको कोई आके रोके ना। बॉल का एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद ही, मतलब पर्सनली। एक बॉल को रख दो तो वो वहीं पड़ा रहेगा, जैसे ही उसको थोड़ा सा टच करो वो मूव करते जाएगा, तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोके ना, या फिर धीरे से वो अपना फ्रिक्शन की वजह से कहीं पे जाके रफ सरफेस में या तो रुक जाएगा। तो सिंपली दिस एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वी विल नॉट गो फॉर दैट, बट यस वी मस्ट नो कि इनका मीनिंग क्या होता है। रेस्ट इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, और वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना ले या उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। अब वो टॉय होता है ना, चाबी वाला टॉय जो होता है वो चटर चलता रहता है, जैसे ही एक दीवार आती है वो ऐसे टकरा के वापस अपना मूव कर लेता है, चेंज कर लेता है अपनी डायरेक्शन। तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा, वो दीवार, आपने जो चाबी भरी थी वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल, रेस्ट मोशन और क्या डायरेक्शन का, इनर्शिया के तीनों ही फॉर्म मैंने आपको बताए। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या था, ये मोशन, ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट पे आते हैं, इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऑर्बिटल मोशन है। ये देखिए, योर ट्रक हैज़ ब्रेक्स द मासिव हंक ऑफ स्टोन डजंट, मतलब कि आपके ट्रक्स में ब्रेक्स होती हैं, ट्रक में ब्रेक होती है जो कि उसको अप्लाई करने पर वो गाड़ी रुकती है, ना कि उन स्टोन्स पे जो उसके अंदर भरे गए हैं उन पे कोई ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। When Newton concluded that two factors, actually Newton जी ने conclude किया कि दो factors, inertia और gravity, अगर combine कर दें earth को orbit के around move करने के लिए, earth in orbit around the sun and the moon in orbit around the earth, मतलब कि earth का movement sun की तरफ दो वजह से होता है, inertia और gravity, वैसे ही moon का movement around earth भी inertia और gravity की वजह से होता है। तो ये conclusion था न्यूटन जी का, इसी को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, जो अपने ही ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी एंड इनर्शिया बैलेंसिंग ईच अदर आउट टू क्रिएट एन ऑर्बिट, यही ग्रेविटी और इनर्शिया ही एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और आउटर एरिया में, आउटर बाउंड्री में एक ऑर्बिट क्रिएट कर लेते हैं और उसी के अराउंड मूवमेंट उनका चलते रहता है थ्रू आउट द, आई डोंट नो इट शुड बी से लाइफ और टाइम और वॉट एवर, बट ये चलते रहता है, इट्स अ कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। तो ये रहा पूरा किसका कंक्लूजन। अब आते हैं
ग्रेविटी या सेंट्रिपिटल फोर्स या इनवर्ड एंड इनर्शिया द मोमेंट मोमेंटम आउटवर्ड, मतलब ग्रेविटी सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों इनवर्ड लगता है ठीक है, और इनर्शिया मोमेंटम आउटवर्ड लगता है ठीक। अब दिस मस्ट बी बैलेंस, तभी वो चीज़ बैलेंस में चलते रहेगी पूरी की तरफ, एंड इन ऑर्डर फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी कैप्चर्ड इन एन ऑर्बिट, ताकि वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही कैप्चर होके अपने मूवमेंट को करता रहे अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। एक आपका अर्थ है तो उसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है किसका, पूरे के पूरे मून का, और इसमें इनर्शिया और ग्रेविटी का दोनों ही बैलेंस्ड वे से पूरा अपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो कि मून को कैप्चर किए हुए हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर अर्थ के अराउंड मोशन उसका चलता रहे। सेम अर्थ के साथ होता है जब उसका मूवमेंट होता है अराउंड द सन ठीक। तो ये है इसका एग्जांपल। अब ये पहला ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है प्लैनेट के साथ, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मोमेंटम ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरो इस तरफ जा रहा है और ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये ग्रेविटी है जो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किए हुए है टू द प्लैनेट, और प्लैनेट को अट्रैक्ट किया हुआ है टू द ऑब्जेक्ट, इट्स अ वाइस वर्सा ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का ये ऐसा कुछ इस तरह से इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाया गया है ठीक। देन यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूस मूवमेंट है, या कंटिन्यूस इट्स ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड बट इट्स पुल्स डाउन बाय द ग्रेविटी। ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पूरा मूवमेंट हो रहा है इसी ऑर्बिट से, और यहाँ से दोनों तरफ जाने वाला फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है हर तरफ, कि उसको ग्रेविटी इनर्शिया भी है इसमें और ग्रेविटी भी है, ये दोनों की ही बैलेंस्ड पूरा इक्वेशन बनी हुई है, और मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है आपका ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो द रिजल्ट इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, हर बार एक ये जो फोर्स है ये 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है स्ट्रेट। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था किसका, स्ट्रिंग और स्टोन का, सेम कुछ इस तरह से उसने अपना मूवमेंट बना लिया है, और अब इसी ऑर्बिट में वो क्या करेगा, अराउंड घूमते रहेगा, इसका मूवमेंट यहीं होते रहेगा। तो इट्स इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस ऑफ फोर्सेज दैट पुशिंग द ऑब्जेक्ट आउट एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट इन, मेकिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ठीक है। ये है इसका पूरा मूवमेंट जो कि होते रहता है इन अ बैलेंस्ड मैनर। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था। अब इसके बाद जो टॉपिक्स लाऊंगी वो मेरे नेक्स्ट सेशन में करेगा, और नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत कुछ समझेंगे विथ सो मेनी एग्जांपल्स। टिल देन यू हैव टू बी विथ मी, स्टे ट्यून, वी विल बी कंटिन्यू दिस वीडियो विद द सेम टॉपिक ग्रेविटेशन फॉर द क्लास 9 फिजिक्स, एंड आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए, और नेक्स्ट टॉपिक को भी समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।